आदिल जो है मुझे क्या फ्रेमिंग की है तुमने, पागल करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए क्या फ्रेमिंग की है जिंदगी में। याद रखना, खुदा ने और पुराने लोगों ने कहा था, गड्ढा किसी के लिए खोदोगे ना तुम पहले गिरोगे। आदिल तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदा है, तुम गिरोगे। एंटरटेन में लोगों को हंसाती रहे हंसाती रहे, लेकिन किसी को नहीं पता कि मेरी असल जिंदगी में कितने दुख है। राजकुमार राज कपूर जी का वो डायलॉग याद आता है कि उनकी माँ मर जाती है लेकिन फिर भी सर्कस करते हैं, शो मस्ट गो ऑन, फिर भी हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं। जो वो दर्द, वो मेरी हालत है आज की तारीख में। जो हम देख रहे हैं कि आए दिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, ये सब बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल रात को मैंने वाहिद भाई को कॉल करके कहा कि वाहिद भाई, मेरी ज़िंदगी में अब सुकून नहीं रहा, मुझे सुकून चाहिए। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, राखी अल्लाह की बंदी है, तो क्यों अल्लाह की दो बंदियाँ एक साथ बगैर एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जी नहीं सकते। तो वाहिद भाई ने कहा, बहन मेरी, आपकी सोच बहुत ही नेक है, आप राखी को कॉल करो, आप जाकर बात करो, अपनी बात रखो राखी के सामने। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। ये तो चल रहा है। अब एक चीज सबसे बड़ी बात, जिस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो बिग बॉस वाले सबसे पहले ऐसे लोगों को उठाते हैं और घर लेकर आते हैं। बिग बॉस वाले थुकेंगे भी नहीं। बड़ा आई विश कि शर्लिन चोपड़ा जाए, क्योंकि इसमें बहुत गड्स है। और मैं जाऊंगी तो मैं बिग बॉस से ये दरख्वास्त करूंगी कि राखी को भी वहां पर बुलाया जाए, ताकि बिग बॉस की टीआरपी आसमान छुए। नहीं बहन, तुम चली जाओगी उतने में हो जाएगा। बिग बॉस तो मेरा पति है। नहीं, आपको बता दूं कि इन्होंने ना केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की जनता को इतना एंटरटेन किया है, इतना एंटरटेन किया है कि हम तहे दिल से इनके आभारी हैं, तहे दिल से। लेकिन बिग बॉस की बात करेंगे थोड़ा, नहीं हो गया ना, बस हो गया, बस। अरे नहीं नहीं नहीं, बस खड़े खड़े हो गए। जाने क्यों चाहिए? और अच्छा, सबसे पहला नाम मैं अपना लूंगी, क्योंकि